थैंक यू, आप यहाँ पर आए और हमारे शो की इज्जत बढ़ा दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आप मुझे बताएं कि आई कांट बिलीव यू आर डूइंग दिस। ओह शट अप, सुनो, आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट ओवर दिस। जब से इनके लाइफ में राज कुंडर साहब आ गए, ये पुराने दोस्तों को भूल गई है। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं भूलते अपने दोस्तों को। अच्छा, लास्ट फिल्म आपने और हमने कब किया था? 4 years ago, चार साल पहले। हाँ। जैसे छोड़ा था वैसे ही पाया हूँ। माशाल्लाह, सिर्फ एक ही है जो एज के साथ ये बेटर दिखती है। लाइक यू मैं देखिए, आपकी एज बढ़ रही है, मेरी एज वहीं के वहीं है। जी हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप एक दूसरे से मिले हैं? पहले मुलाकात हुई है। इट्स बाया यूसुफ दैट आई नो हिम। यूसुफ राजस्थान रॉयल के प्लेयर हैं। कमाल एक्सपीरियंस रहा, जैसे आपने कहा कि हमारे देश में क्रिकेट, सिनेमा और करोड़ों को लेकर काफ़ी वैसे चर्चा होता है। तो आई हैड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ क्रिकेट। सिनेमा तो काफ़ी अरसे से कर रही हूँ मैं, लेकिन कितने से? कुछ 25-30 साल हो गए होंगे आप। 17 साल। मैडम सतारा से आइए। 17 साल से झूठ बोल रही हैं। मेरे आने के ये 1 साल बाद आई हैं। इनको शाहरुख खान साहब ने बिल्डिंग से फेंक दिया था और देखो टप्पा खा के अभी तक यहाँ पे हैं। और आपके जो कोलीग्स हैं, जो आपके कंटेम्पोरीज हैं, वो आप उनमें से सिर्फ आप ही जिंदा हो ना? बाकी सबकी तो शादी हो चुकी है। यहाँ बस आप एक ही बची हैं। हाँ। ये आपसे कोई नहीं पूछता कि शादी कब कर रही हैं आप? हम एक दूसरे से पूछते हैं। मतलब कब शादी कर रहे हैं आप? कब शादी कर रहे हैं? एक दूसरे को या इन्हें? हाँ, मतलब एक दूसरे से पूछते हैं ना। बट इनका है। Let all of us ask this question to each other. This has become like the most famous question on this show. मैंने सुना है कि आप इन्हीं दिनों में कुछ कर रहे हैं शादी? मैं तो कर लूँगा। हाँ, आप कब? नहीं, लेकिन ये अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे। I remember, मैंने एक बार सलमान से पूछा था, आप शादी कब कर रहे हो? He said, कर रहा हूँ मैं दिसंबर में। लेकिन कौन से साल के दिसंबर में, ये मत पूछना। अब वो नवंबर हो गया। अच्छा, एक महीना प्रीपोन कर लिया, लेकिन साल अभी भी पता नहीं मुझे। हाँ, हाँ। आपने कब डिसाइड किया? आपको मैं इनविटेशन भेज दूंगी। आप यूं क्यों खड़ी हैं? मतलब आई डोंट नो टू रिएक्ट। नहीं, आप यूं क्यों खड़ी है? ये आपने जो इतना बड़ा ये एंगेजमेंट नहीं है आपके हाथ में? अगर एंगेजमेंट रिंग होता तो मैं बहुत प्राउडली कहती। अरे मतलब ये खुद का फटका है। दिखाओ 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 ना, कितना मेहनत किया है, कितना मेहनत किया। फिर बहुत बदमाश है। मम्मी ने बोला कि ओके बेटा, नाउ यू वेयर दिस रिंग। नो, ये बस यहीं पे स्टॉप हो गया था। इस पे फिर ये किसने दिया आपको? दिया मुझे किसी ने। हाँ, चेक करा ना भैया, असली है नकली है? जी हाँ, आपका क्या है? आपकी कोई शादी वादी की कोई प्लानिंग वानिंग है? मेरी शादी में मुझे लगता नहीं किसी को ज्यादा इंटरेस्ट होगा जानने में। मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। नहीं, पर दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में इतने लोग हैं जिनको जानने का इतना उत्साहित है कि आपकी शादी कब हो रही है, इनकी शादी कब हो रही है। हमारा तो सिर्फ क्रिकेट में ध्यान देते हैं। शादी तो हो चुकी है। अरे नहीं हुई है। नहीं, आई हैव हर्ड दैट यू गेटिंग, यू गॉट इन मैरिड विद हूम? विद हूम? दैट टू इवन आई हर्ड अबाउट यू। हां, तो ठीक है ना? अच्छा ना, ओके हो गया यार। नहीं सीरियस बताइए, मैंने कहीं उड़ती उड़ती सुनी थी, वो सही है या गलत है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ जी है। नाम क्या उनका? शिवांगी। ओह माय गॉड, हैट्स ऑफ। चॉइस किसकी है? चॉइस एक दूसरे की। मतलब क्या, जैसे क्या काम मिला? आप सिक्सर मार रहे थे, उन्होंने आप आउट हो गए। ऐसा होता तो फिर गर्लफ्रेंड ना बनती मेरी। फिर क्या हुआ, कैसे? ऐसे ही। अरे बताइए ना यार, वी वांट टू नो यार, वी वांट टू नो। ग्राउंड के बारे में मिले थे, मिलने आई थी। तो बस उसके बाद से नंबर लिया। मिलने आई थी मतलब? हमसे मिलने आई थी। ऐसी फैन की हैसियत से कि मतलब? नहीं, जानते फैन की हैसियत से नहीं, जानते नहीं थे, लेकिन मिलने का मौका मिल रहा नहीं था, मिलना था, और फिर हाउ रोमांटिक। वहाँ से फिर तो शादी।
सीरियस हैं आप, इंशाल्लाह भी कुछ एक 20-25 साल में शादी कर लेंगे उनसे अगर आपके रास्ते पे चलेंगे तो तो कमी नहीं होगी तो इट्स अ गुड थिंग. और आप मुसलमान हैं और वो हिंदू, जैसे कि मेरे फादर मुसलमान हैं और मेरी मम इज हिंदू, और आपके फादर एक मस्जिद में मौज़िन, उनको कोई एतराज नहीं है. सुपर्ब यार, तालियां चिट्टा, हैट्स ऑफ चिट्टा. यू नो मेरा मानना यह है कि अ गुड पर्सन, हिंदू हो या मुसलमान हो, डजंट मैटर, अच्छा आदमी होता है, बुरा आदमी होता है. और दिस इज द मॉडर्न मुस्लिम हु इज वेरी गुड बाय प्रोडक्ट. जी यार, यहां से सलमान हैज ओनली वन रिग्रेट दैट यहां से यहां वो पठान है, यहां से यहां वो महाराष्ट्रियन बॉडी. सो ही ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हिज काव्स बीइंग वेरी थिन. Do you remember at one point you used to wear slacks under your jeans to look for you? इनको कैसे पता है लेकिन? Because you were it only. हाँ, कुछ नहीं छुपती. I used to be very thin in मैंने प्यार किया, very fit. तो मेरा वेट था करीबन 48 किलोस. और जितने भी उस वक्त के हीरोज थे, they were all big. तो I used to wear संगीतास. अरे वो जो होते ना यार, वो so that his jeans would fit him properly. I found that story hilarious. Yeah, and then after that started training, working out, or now everybody wants to come back to that size. So even when it came to fitness, someone like me. हाँ, तो क्या कह रही थी? Even when it came to fitness, someone like me. मतलब जब फिटनेस की बात आई तो अपनी बात करती हूँ. अपनी बात ये सर, हमें भी जानना है कि आपकी बात क्या है. जब आप मेरे पोल खोल रहे तो मैं आपके पोल खोलना शुरू करता हूँ. अच्छा, बताइए ना. अच्छा, मुझे भी ऐसे लगता था कि मेरा जो लोअर बॉडी है वो मैं बहुत पतली हुआ करती थी, अभी भी किसी को ऐसा लगता है. तो मुझे याद है सलमान ने मुझसे एक बार कहा कि You want to put on weight on your lower body, बैठक करो. तो मैं तो उन्होंने बाकायदा मुझे दिखा के, मतलब मुझे बताया कि कैसे करना चाहिए. अभी इस तो बैठक करो, फिर तुम थोड़ा बहुत मतलब मसल वेट गेन कर लोगी. तो मैं रिलीजियसली हफ्ते में 5 बार मैं बैठक करती थी और फिर काव एक्सरसाइज. और देखिए उसका नतीजा क्या हो, क्या निकला. मैडम सुनती है, इसका श्रेय उनको जाना चाहिए. तो मतलब हाँ, थैंक यू. तो आइए खेलते हैं IPL का हमारा वर्जन, यानी इंडियन पैसा लीग उर्फ दस का दम. ठंडे यार, आई लव द वे यू सेड प्रश्न एंड प्रतिशत. ये सब आपने पहले क्यों नहीं बताया?